आईपीपीबी मोबाइल एप्लीकेशन का न्यू वर्ज़न अब प्ले स्टोर पर आ चुका है। यहाँ पर आपको ओटीपी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओटीपी ऑटोमेटिक रीड कर लिया जाएगा और साथ में रॉन्ग पिन डालने के 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको डालने पड़ेंगे। ऐप अपडेट करने से पहले वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ऐप अपडेट होने के बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां पर आपको अपना अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। यदि आपको अपना अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी याद नहीं है तो आप अपने पुराने मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करें और उसमें प्रोफाइल डिटेल्स में जाइए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वहाँ पर आपको कस्टमर आईडी और मोबाइल नंबर मिल जाएगा। ऐप अपडेट होने के बाद आपको अलाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन नाउ और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करना है। और जिस फ़ोन में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस फ़ोन में वह जो मोबाइल नंबर है वह सिम भी बैठी होना चाहिए। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना 4 अंक का एम पिन सेट करना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद अगली प्रोसेस आएगी आपको यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर फिलअप करने की। तो पहला आपको अपना जन्म स्थान डालना है, उसके बाद अपना प्राइमरी स्कूल का नाम, उसके बाद जो अपना फेवरेट दोस्त है उसका नाम, लास्ट में आपके फेवरेट टीचर का नाम डाल के सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद यहाँ पर ओटीपी आएगा, जो कि आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ओटीपी ऑटोमेटिक रीड हो जाएगा और ऑटोमेटिक रीड तभी होगा जब आपके मोबाइल में वह सिम बैठी होगी। यहाँ पर रीड हो गया है और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली बता रहे हैं, तो लॉगिन करते हैं। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं मिलेगा, केवल एक अपडेट आया है जो कि फिंगर लॉक का है। तो फिंगर लॉक के लिए आपको यहाँ पर 3 लाइन पे टच करना है और यहाँ पर नीचे आ रहा है फिंगर लॉगिन, तो इसको ओपन करना है, ओके पे क्लिक करना है और आपका जो मोबाइल फ़ोन का जो लॉक है उसमें जो फिंगर एड है वह यहाँ पर टच करना है। तो ये हो गया और ये ओपन होने के बाद आपको बार बार एम पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका फ़ोन फिंगर से लॉगिन हो जाएगा। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।